ये देखो मेरे भाई, ये आज की समझ ली। ये देखो लो, अरे लगाई हो पहले तो बात है कि इसे मारा बहुत बुरी तरह मारा बेचारी आई हूँ कह रही बोले हमें बचाओ। और जब अगर बोले ना तो इसकी कहीं बढ़िया तरह पीटता हो दबा देता, गला तो दबा देता। वो वीडियो छुटकी मेरे से ना दिखाता गला दबा रखा। अब टकराए हैं भाई, कल से मुझे कल सुबह से गया था, अब जाकर टकराए दोपहर के 2 बजे। देख लो कहाँ नंगे फूंगे घूम रहे हैं यहाँ। दोस्तों मेरे भाई ने पैसे खो दिए भाई, 300 रुपए अभी खाना खाने के चक्कर में। सच में खुए क्या बताओ? 300 रुपए का नुकसान अभी वहाँ बैठ के खाना खा रहे सामने भाई पैसे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज की शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे। अभी 5:30 बज रहे हैं, आप देख लो पीछे अभी अंधेरा है थोड़ा। तो अभी 5:30 बजे आज मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, क्योंकि कल लेट हो गया था बस, मुजफ्फरनगर भी नहीं पकड़ पाया। आज मुजफ्फरनगर पार करना है, लगभग 25-30 किलोमीटर जाना है आगे। तो बस इसलिए सुबह निकल लिया। आज सुबह से बारिश पड़ रही है, सुबह के 2 बजे से लगातार पड़ रही है। अभी बंद हुई है 5:30 बजे के आसपास। जैसे परसों पड़ी थी ऐसी आज पड़ी थी 4 घंटे लगातार। तो आप देख पा रहे होंगे पीछे जली जल हो रहा है सारे में, और अभी भी घिरा हुआ है। कालापन उसी की वजह से हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, कि बारिश आ सकती है कभी भी। तो बस यही है भाई। वैसे मेरे को रात दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं टीन में सोया था, पर आग तो खुली जाती है भाई बारिश से। टीन में अंदर सोया था, बारिश तो नहीं लगी, पर फिर भी लोग अंदर आते हैं, भीड़ हो जाती है ज़्यादा, तो आग तो खुली जाती है। मैंने इस वीडियो में क्लिप लगाई, आप देखना, ये 2 बजे की क्लिप है, कितनी भीड़ हो रही है और ऊपर टीन पे टप टप हो रही है। तो बस यही सब था भाई। अब चल रहा हूँ अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। अभी कुछ खाया पिया नहीं है, खाली पेट ही चल दिया। आगे जाके खाऊंगा पीऊँगा, अब बस यहाँ से निकल लिया। अब लगभग 8 बजे जाके कुछ खाऊंगा पीऊँगा, अब यहाँ से चल रहा हूँ दोस्तों। तो जो दोस्त नए आए हो भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज भाग दौड़ बहुत है दोस्तों, बाइकों की आप भी सुन पा रहे होंगे, आवाज़ बहुत आ रही है देखो, और जा भी बहुत सारे रही हैं देखो, ये डाक कार्ड वाले हैं सब। क्योंकि आज 13 तारीख हो गई तो डाक जा रही है, 15 में जल है सबका, तो सब इसलिए भगदड़ हो रही है ज़्यादा। पल्ली वाली सड़क पर देख लो कितनी भगदड़ हो रही है। तो अब चल रहे हैं दोस्तों, अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। ये देखो भाई सुबह का नजारा। तो अब चल रहे हैं, पैरों में भाई बहुत कम है दर्द। वो जो कल पीली गोली दी थी ना, उसने बहुत कम दर्द हुआ है भाई, मतलब दर्द बिल्कुल ना मात रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ना पट्टी बांधी ना कुछ। तो अब सही लग रहा है, तो अब देखता हूँ कब तक नहीं होता। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कल तो बहुत ही ज़्यादा। तो अब भोले का नाम लेके चल रहे हैं। जो दोस्त नहीं आए हो भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते, बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई आप सबसे। तो अब चल रहे हैं, बोल शंकर भगवान की जय। अब हम आ गए हैं दोस्तों मुजफ्फरनगर के सिसोना गाँव में। ये थोड़ी दूर है मुजफ्फरनगर से। तो देखो गाँव में फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं होती, सब ने देखो अपने अपने गेट खोल रखे हैं, भोलों को अंदर लेटा रखा है, और अच्छा खाने पीने की सुविधा मिल रही है जगह जगह, आप खुद देख सकते हो। देख रहे सबके गेट खुल रहे हैं मोस्टली, ये होती है भाई अपनी यूपी की बात। और उत्तराखंड में किसी ने भी गेट तो बहुत दूर की बात है भाई, बाहर में भी नहीं बैठने देते, और देख लो यहाँ लोग अंदर तक बैठे हैं, ये अपनी यूपी की बात। यूपी तो भाई यूपी है, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट बात, आप चाहे वीडियो में खुद देख लेना उत्तराखंड में कितने लोग ऐसे दिखे थे बाहर, और यूपी में आप खुद देख रहे हो, ये यूपी की बात होती है मेरे भाई। अब चल रहे हैं, ये आ गया दोस्तों सामने हाईवे, देखो ये लिख रहा मेरा किधर हरिद्वार कर, तो शॉर्टकट मारता वो आके यहीं पे मिल गया हाईवे में, पर 3-4 किलोमीटर कम पड़ गया बस इधर से, और कुछ नहीं था बस यही था। तो अब चल रहे हैं, देखो पुलिस वाले रोक रोक के निकाल रहे हैं आराम से, क्योंकि वैसे चल रहा होगा ना, और साइड से निकलते हैं देखते क्या मामला है। रोक रहे हैं पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, अच्छा सीधे जाना है, हाँ सीधा एक और शॉर्टकट है ना इसलिए रोक रहे हैं, शॉर्टकट से निकालेंगे। चलो 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 क्या बोले कि देखो पुलिस वाले सेवा में लग रहे हैं भाई, पेट्रोल पंप नहीं दुनिया
एक और शॉर्टकट है, इससे निकलेंगे तो पुलिस वाले तैनात है भाई, तो चल रहे हैं इससे। बम बम देखो हर हर महादेव, बम 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 जय शंकर भगवान की। देखो दोस्तों इधर फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं और फ्री भंडारा चल रहा है निःशुल्क। बार बार आवाज़ लग रही है, किसी भोले के कोई दिक्कत हो तो आके दिखा ले, किसी को खाना खाना हो तो आके खाना खा ले। देखो बिल्कुल फ्री चल रहा है इधर। क्या बदतमीज चल रही है, 20 रुपए को मार रहे हैं, देखो मार पिटाई कर रहे हैं। ये देखो मेरे भाई, ये आज के समाज की वीर बजरंगे भाई, देखा जो भाई मार रहा है, खामखा मार रहा है भैया, पता नहीं क्या बात है। ये देख लो अभी हाथ पाई चल रही तगड़े वाली, ए ए हाथ ने लगा दिया, ए अभी गला घोट रहा है इसका, अभी गला घोट रहा है इसका, ए अलग अभी गला घोट रहा है इसका ही वो। बम 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 बम, देख लो भाई क्या हाल है। हर हर महादेव भाई, अभी मार रहे थे लेडीज भी जा रही है बीच में, देखिए उसमें पुलिस में बता दिया इनके बारे में, उनकी वीडियो पुलिस वालों को दे दी है, कह रही है बहन मनोज थे मेरे, उनके बहन मनोज थे जो उन्हें मार पा रहे थे। ऐसी है भैया, कौन है बहन मनोज, कौन है? हाँ। क्या बताई बहन मनोज थे? पहले तो बात है कि इसे मारा बहुत बुरी तरह मारा, बेचारी आई हूँ कह रही बोले हमें बचा लो, और जब अगर बोले ना तो कहीं बड़े तरह पीटता दबा देता, गला दबा देता, वो वीडियो छुटकी मेरे से ना दिखाता गला दबा रखा, चारों की सिद्धि हूँ कह रही बोले तुम बचा लो और हमें स्टेशन पे बिठा दो या पुलिस के पास ले जाओ, पुलिस बची अब जाकर पुलिस वालों को दिए। उसके बहन क्या बता रही थी, उसके उस लड़के की बहन, लड़के की बहन पिटवा रही है भाई, घर घर के वही कलेश है, बहुत मारा, बहुत बुरा मारा भैया। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे सारे भाई, अब चल रहे अपनी यात्रा पे। बम 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 बम, हर हर महादेव। अब लिए दोस्तों चाय, चाय पी लूँ एक बार तब चलूँगा, क्योंकि बारिश पड़ने लगी है और अभी काफ़ी दूर है मेरे को, नगर सोचा पहले पी लूँ तब चलूँगा। दोस्तों चाय पी लिए, अब चल रहा हूँ, चाय ही बहुत है अभी, लगभग 2 घंटे हो गए यात्रा करते करते, तो शिव चौक आने वाला है, बस शिव चौक पार करके अब आगे जाके कहीं 10-11 बजे जाके खाना खाऊंगा। आज से तक खाना खाऊंगा, पराठा नहीं खाया, बस चाय पी और एक बालाजी का बिस्कुट खाया, यही बहुत है। सुबह सुबह फिर ज़्यादा तेल का खा के ना दिक्कत हो जाती है, कल दिक्कत हो गई थी भाई, पूरे दिन पेट में जीव सा रहा था, तो इतना ही बहुत है। अब चल रहे हैं उसको, फिलहाल आ गए मुझे अपने का शिव चौक। देखो ये जो शिव चौक है, देखो सामने वाला नज़ारा, इसकी परिक्रमा लगती है। चलो ये मेरे, आ जाओ चलो भाई, ये मेरे स्कूल के दोस्त मिल गए भाई दोनों, उसका नाम साहिल है, वो स्थित है, तो अभी परिक्रमा लगाएंगे। देखो सब लगा रहे हैं ऐसे परिक्रमा, अब ये मुझे नहीं पता क्यों लगाते हैं पर लगाते हैं। ये शिव चौक का मेन वो है मंदिर है, इसमें अंदर छोटा, चलो सब चल रहे हैं। ये दोनों भाई मिल गए स्कूल के मेरे पुराने यार, बोल बम चल रहे हैं। देखो पूरा मंदिर है सामने, बम 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 जय बम 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 ब
अब चल रहे हैं भाई, पार करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब होगी हमारी परिक्रमा पूरी, ये सभी लेते हैं, हमने सभी लिए। तो अब चल रहे हैं अपनी यात्रा आगे की शुरू कर रहे हैं। वो निकल के मेरे दोस्त आके दोनों, तो अब चल रहा हूँ। दोस्तों मुजफ्फरनगर पूरा पार कर दिया है, अब सामने हाईवे आ गया मेन। तो मुजफ्फरनगर तो पीछे छोड़ दिया है, अब खतौली आएगी। तो अब खतौली जाके सांस लेंगे, सुबह से चल ही रहा हूँ भाई। ये देखो दोस्तों, ये आ गया मेन हाईवे। वो देखो भाई डीजे हो रहा है, कसाना डीजे है। आगे कंपेयर होगा, आपको दिखाऊंगा। ये आ गया मेन हाईवे, अब चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर पूरा पार हो गया, अब आएगी खतौली। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर रहे हैं। अब कहीं पर खाना खाएंगे रुक के सारे भाई, और हमारी टीम बढ़ती जा रही है। पहले तीन थे हम, और तीन से छः हो गए, और छः से दो आठ हो गए, दो भाई और मिले, तो टीम बढ़ गई है। अब चल रहे हैं, देखो और डीजे उसको भी कंपेयर होगा, वो भी दिखाऊंगा। तो एक बार सड़क पार कर ले पहले, तब दिखाऊंगा। देखो पुलिस वाले हमारी सेवा में सदा तत्पर है। ये हो गई सड़क पार, ये आ गए हम अपनी तरफ मेन हाईवे NH-24। अब टकराए हैं भाई, कल से मुझे कल सुबह से गया था, अब जाके टकराए हैं दोपहर के 2 बजे। देख लो कहाँ नंगे फूंगे घूम रहे हैं यहाँ इस होटल पे। क्या 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 खा लिया भाई, खाना वाना खा लिया भाई? की चाय भी बन गई, सारा काम हो गया। ना ना कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो करो अपना, देर लगेगी अभी। हाँ फोटो भेज दूंगा भाई आपको, फोटो दे दूंगा मैं, अभी लोग नहीं डाल पा रहा, आपको समझा करो वीडियो में। मैं दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई वीडियो कब डालोगे, जब कार्ड निकल जाएगी। मैं भाई टाइम नहीं लग पा रहा, क्या बताऊँ। ये अपने फोटो को रो रहे हैं, बताओ यहाँ वीडियो नहीं डाल पा रही। तो भाई अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तब चलेंगे। वो भी दोनों भाई बैठे हैं, सब खाना खा लें, खाना खा कर तब चलेंगे। दाल रोटी लगवाई है, एक बार खा लो, खा के एक बार ही चलेंगे यहाँ से। दोस्तों मेरे भाई ने पैसे खो दिए भाई, 300 रुपये अभी खाना खाने के चक्कर में। अभी जस्ट खाना खा के बाहर निकले थे, भाई ने पैसे खो दिए। भाई की स्माइल देखो अभी, 300 रुपये खोने के बाद भी कितनी स्माइल है भाई के चेहरे पर। सच में खोए क्या बताओ, 300 रुपये का नुकसान। अभी वहाँ बैठ के खाना खा रहे सामने, भाई पैसे गिर गए भाई के। चलो कोई ना, ये तो होता रहता है छोटे मोटे का, समझो भोले को दे दिए है ना, अब तो यही कहेंगे। तो अब चल रहे हैं भाई, ये मेरा स्कूल का दोस्त है। अब अपने जल उठा के अब चल रहे हैं अपनी यात्रा प्रारंभ। चाइल्डहुड फ्रेंड यहाँ पे इसने एक घंटा बिगड़वा दिया। चाइल्डहुड फ्रेंड ने बार बार रुके, पता नहीं क्या बच्चों की तरह, कभी टॉफी ले लो कभी ये ले लो। बोल शंकर भगवान की जय। भाई की स्पीड देखियो मेरे भोले भाई की, देखो कैसे उड़ेगा, उड़ जाएगा अब। और 500 मीटर आगे जाकर ऐसा हो जाएगा चिट्टी की चाल पर। देखो हो गया, अब आगे दिखाऊँ गया। अब बोले चलो बोले, अब हम चल रहे हैं 500 मीटर बाद आके खड़ा मिलेगा। भाग गया देखो, वो जा रहा स्पीड लंबी ले गया भाई। अब हम भी चल रहे हैं, दिखाऊंगा जब 500 मीटर बाद मिलेगा खड़ा हुआ। जब का चला हुआ देख लो, यहाँ पर आकर रुक गया था, अब चल रहा हमारे साथ। कितनी तेजी से चलता बस ये। आओ बोले, आओ, इतनी तेजी से चलता भाई ये। थोड़ी सी दूर का उठान है फिर बस, अब हो गया मंदा, अब हमारे साथ चलेगा। 500 मीटर चल लिया वो होता है, तो अब चल रहे हैं। बाकी भाई ये सिसोली गांव के सामने आ गए हैं यार, हमारे दोनों जमरे। कहाँ है सर, जा रहे हो? यस। अब कहाँ मिलोगे? अब मिलेंगे दादरी। अब भाई जा रहे हैं, फिर से भाई ने एक और उठा लिया है कि मैं जा रहा हूँ दादरी। कितने किलोमीटर है सर दादरी? 17 किलोमीटर। तो कब तक पहुँच जाओगे? रात को लगभग बोले 9 बजे तक। चलो फिर वहीं मिलेंगे तो। हाँ जी बोले। ठीक है जी, बीच अब पहुँचो तो आप अपनी चाल पकड़ो, हम आ रहे हैं धीरे धीरे। भाई ने दोबारा चैलेंज उठा लिया, कह रहा तुमसे पहले पहुँचूंगा 17 किलोमीटर। इप्सित बोला मोदी नगर।
एक नंबर भाई जा रहा है लड़का, तेज देख लो उसकी चाल देख लो और हमारी देख लो भाई, हम तो दोनों भाई मंदे मंदे चल रहे हैं। तो भाई जगह जगह पिला रहे हैं शरबत ऐसे, ये अपनी यूपी की बात है, मुजफ्फरनगर में हर जगह ही ऐसे मिलेगा आपको, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क शरबत, पानी, सब कुछ देख लो पूरा। यहाँ ही नहीं, सारे में पीछे से लगभग 2 किलोमीटर का है चौड़ा पट्टा, इस पे सारे पे यही है सब कुछ। अभी 1 किलोमीटर भी नहीं आया, उसने पहले ही अपनी कार्ड देखो मेरे दोस्त को दे दिए दूसरे वाले को, देख लो पूरा ऐसा है भाई ये। वैसे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है 17 किलोमीटर के, और देख लो अभी से कावड़ उसे नहीं रही, बस भाई ऐसा ही है मेरा दोस्त, ये बोलते ही बोलता है, बस ये समझ लो। इप्सित बोले क्या हुआ, कावड़ एक्सचेंज कैसे कर रहे हो? चेंज कर रहा था कुछ। हाँ समझ गया भाई, चलो आ जाओ कोई बात नहीं, होता है भाई। तो अब जा रहे हो आगे? मैं खुद लगाने वाली गाड़ी है, अब जा रहे हो आगे? चलो आराम से जाना, टेक केयर। क्या बोले सामने खतौली रह गया, यहाँ से 6 किलोमीटर और मेरठ है 39 किलोमीटर, गाजियाबाद 84, तो पास ही आ गए हैं। आज खतौली पार करके रुकना है, वो लग रहा है देखो सामने बोर्ड। कैसा महसूस हो रहा है अभी पट्टी करवा के? ठीक ठाक हो रहा है थोड़ा। दर्द दोबारा हो रहा है या सही हो गया? दर्द दोबारा हो रहा है। तो भाई दर्द लड़के के बहुत है मेरे भोले के। कौन से पैर में? इस वाले पैर में दर्द किस चीज़ का है, मतलब वैसा है नसों में है या हड्डियों में? नस हड्डी में दर्द हो रहा है। तो भाई इनमें कोई दर्द नहीं है, हड्डी में दर्द हो रहा है। मैं अभी अचानक ही हुआ एकदम से, इतना रास्ता पार कर दिया जब कुछ नहीं, देख लो अचानक लड़के का दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो अब बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, मेरी भी पट्टी ऐसी बांधी सारी आगे हो गई, सारी की सारी पट्टी अगली तरफ आ गई, एक पट्टी के दूर आ गई, ऐसी काम कर दिए भाई। काम उनकी गलती ना है, वो चलने से वो लग रही है ना पीछे को फोर्स लग रही है, तो वो आगे जा रहा है सारा सारा आगे भाई। अब देखते हैं कहाँ तक चलेगी, फिर कोई मिलेगा फिर से ट्रीटमेंट करवाएंगे अपने। ये देखो दोस्तों खतौली पार कर दी हमने, खतौली में नहर के पास ये लगता है एक तरह से मार्केट कह दो आप। अब ये आ गए अपने छोटे हरिद्वार पे, मतलब छोटे हरिद्वार वाली नहर पे, ये नहर वहीं से आ रही है और ये हमारी वाली है जो मतलब हमारे उधर निकल रही है। तो अब यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं, एक पे नहर चले जाओ और एक सीधा चले जाओ। तुम पीछे से भी कट रही थी मुजफ्फरनगर से भी, वहाँ से भी आना चाहो वहाँ से भी आ सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो यहाँ से इधर उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं रुकना हो तो रुकने की कोई सुविधा नहीं है नहर नहर पर, आपको ही पता है कैसा रहता है। तो सीधा ही चल रहे हैं मेरठ के अंदर को निकलेंगे, तो इधर से ही चल रहे हैं। मेरे दोनों दोस्त भी आ गई हैं, तो आज वो कह रहा है कि उनकी बुआ का घर पड़ता है रास्ते में, यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर, तो वहीं चल रहे हैं, उनकी बुआ के वहीं पर रुकेंगे आज, तो रात रुके फिर कल शाम तक पहुँच जाएंगे अपने घर। तो बस आज लगभग अभी तक 30 किलोमीटर तक चल लिया मैं, और चलूँगा 10 किलोमीटर आज, 40 किलोमीटर चलूँगा आज। आपको अपने फ़ोन में दिखाऊँगा स्क्रीन पर किलोमीटर कितना चला मैं, तो चल रहा हूँ वहीं पर बैठे। सर
सर एक मिनट थोड़ा समय देंगे, थोड़ा सा पीछे घूमिए। जी जी बोलिए बोलिए सर। अब इस बारे में क्या कहेंगे आप, कंप्यूटर में हार गए, कुछ तो बोलिए। अब दो शब्द क्या, जैसे बोले की इच्छा वैसा करो। बोले की इच्छा तो है, अब मतलब इतना बड़ा चैलेंज उठाया आपने, आप हार गए, फिर ये बोले की इच्छा थोड़ी है, तो आपकी इच्छा हुई ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बोले की इच्छा आपकी इच्छा। बोले को और बदनाम कर रहे हैं, बोले की चैलेंज तुमने उठाया, बोले ने उठाया, बोले हम आपका वेट कर रहे थे इसलिए हार गए हैं। थोड़ा मेरा भाई पकड़ा। अब भाई भाई गवाह है, लेट आया नहीं आया भाई? आया है भाई। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, मैंने करा नहीं फोन कितनी बार, कई बार बोले के लिए चल नहीं पा रहा बंदा। मिला हूं बोले, अभी तो मैं आपसे थोड़ा मिला, जब मिले हो ना, जब मैं रुक गया था वहाँ पे, जब मिले हो ना भाई। सारे भाई मिल गए हमारे, वो भाई कंपटीशन हार गया और लेट हो गया था, चल रहे हैं यहाँ से। मेरठ लग गया हमारा, मुजफ्फरनगर खत्म हो गया, अब लग गया मेरठ, तो अब चल रहे हैं। अब कोई सा गाँव आएगा वहीं पहने की बुआ है, वहीं पर रुकेंगे। भाई देखो कितने तेज उड़ रहे हैं सारे। सर लेटने की जल्दी है क्योंकि पूरे दिन के थके हुए हैं, लगभग 40 किलोमीटर चल लिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा जब वहाँ पे रुकेंगे, लगभग 40 ही चल लेंगे इतने। हर हर महादेव। तो ये आ गया दोस्तों बोर्ड, मेरठ यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया दिल्ली बांध में, और मुजफ्फरनगर 27 किलोमीटर छोड़ी आई पीछे। तो अब चल रहे हैं, तो अब यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास ही है वो गाँव जिसमें मेरे दोस्त की बुआ है, तो सारे भाई वहीं पर रुकेंगे। ये आ गया दादरी गाँव, इसी में है मेरे दोस्त की बुआ, अब यहीं पर रुकेंगे रात में, यहीं खाना खाएंगे, यहीं आराम करेंगे। तो अब चल रहे हैं, भीड़ देख लो, ये सारी दादरी गाँव की भीड़ है जो देखना आई है। कावड़ देखो कितनी भीड़ है। तो आज इसी गांव में रुकेंगे, कल सुबह फिर यहां से प्रस्थान करेंगे आगे के लिए। लगभग आज 40 किलोमीटर के आसपास चल लिया हूँ, 40-42, तो मैंने साइड में स्क्रीन शॉट लगा लिया है भाई, देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा, रियल है, जो फोन ने ना पाया। 40 किलोमीटर चल लिया, 40-42 कावड़ जुला दी यहीं पे। अब चल रहे हैं गांव में अंदर, अब चल रहे हैं दोस्तों बुआ के घर पे, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो भैया बाइक से लेने आ गए, बाइक से चल रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? हेलो दीपसी। हाँ भाई, मेरा तुम्हारे पास चार्जर, मेरा चार्जर भाई मैं अपना लाया था, वो कहाँ आपका गुम हो गया क्या चार्जर? निखिल भाई का चार्जर बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब काफ़ी थक गए, सारे भाई सो रहे हैं, अब सुबह उठेंगे आराम से। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारे भाई कमेंट जरूर कर दें, देखो अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बाय बाय दोस्तों।